सहारा परिवार के मुखिया और एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य के मालिक रहे सुब्रत रॉय की कहानी बड़ी फिल्मी है, एक हीरो से एक विलेन बनने तक। और सहारा स्कैम के चक्कर में पहले से ही जेल की हवा खा चुके हैं, अब इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब हाल में सेबी ने एक फरमान निकाला है सुब्रत रॉय और उनके साथ जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ करीब 6.5 करोड़ रुपए वसूलने के लिए इनके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट अटैच किए जाएंगे। अरे मतलब इनके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में जितना भी पैसा ये शेयर पड़े हैं अब सब कुछ सेबी का हो जाएगा। सेबी ने बैंक्स, डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड्स को सख्त हिदायत दी है। इनफैक्ट एक नोटिस इशू किया है जिसमें कहा गया है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट को सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। और असली बात तो यह है कि 2008-09 में सहारा इंडिया ने करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की रकम वसूली थी, वो भी सेबी के सारे नियमों को ताक पे रख के। अच्छा, इस पे तो लॉन्ग वीडियो भी किया हुआ है ना, जो प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा। हाँ, वो भी देखना। लेकिन ये 6.5 करोड़ रुपया सेबी ने उन्हीं नियमों को ताक पे रखने का फाइन लगाया है और अब जाके वसूल रहा है, और वो भी इस तरह से। और इन्वेस्टर्स का वो 24,000 करोड़ रुपए, वो सबसे पहले उसको पता लगेगा जिसने एडीबी को सब्सक्राइब किया हो।